देखो नुक्कड़ वाला नाटक देखो, आओ यारो नाटक देखो नुक्कड़ वाला नाटक देखो। आओ देखे देश का हाल, चर्चा उस बात की जिससे हर कोई है परेशान, बच्चा बूढ़ा या नौजवान, जिसने लाखों की ली है जान, फिर भी हम सब क्यों है अनजान, फिर भी हम सब क्यों है अनजान, फिर भी हम सब क्यों है अनजान, फिर भी हम सब क्यों है अनजान। पहली क्या बुझा रहे हो, साफ साफ कहो कहना क्या चाहते। अरे डायबिटीज भाई, डायबिटीज डायबिटीज भाई डायबिटीज, जिसे हम आम तौर पे शुगर कहते हैं। आई आई अभी आई, अभी तो एक घंटे पहले खाना खाया था, फिर कैसे भूख लग गई आपको? मुझे नहीं पता, कुछ खाने को दो और उससे पहले एक ग्लास पानी दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे कितना पानी पियोगे, पूरा का पूरा फिल्टर खत्म कर रखा है। तुम्हें सिर्फ बहाने बनाने आते हैं, तुम कुछ खाने को दोगी या मैं बाहर जाकर खा लूं? आपको तो बस बहाना देना है अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने को, और तो और अपना वजन भी कम होता जा रहा है। ये तो मुझे भी नहीं पता, मेरे दोस्त भी कहते हैं कि आजकल मेरा वजन कम हो रहा है। वजन कम हो रहा है, वजन कम हो रहा है। अच्छा ऐसा क्या, कब से हो रही है तुम्हारे पति को ये दिक्कत? यही लगभग 6-7 महीने हुए होंगे, वैसे तुमने ये सवाल किया क्यों? अरे तुमने माया के पति के बारे में नहीं सुना, उनको भी यही दिक्कत थी, फिर डॉक्टर ने बोला कि उनको डायबिटीज है, पर उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, 1 साल बाद उनकी नज़र कमजोर हो गई, फिर डॉक्टर ने बोला कि शुगर आंखें खराब कर देती है। शुगर आंखें खराब कर देती है, आंखें खराब कर देती है। और हाँ मैंने भी सुना है अगर शुगर कंट्रोल ना की जाए तो किडनी भी खराब हो सकती है। किडनी भी खराब हो सकती है, किडनी भी खराब हो सकती है। हे भगवान, तुम दोनों का है, मुझे आज ही नजदीकी अस्पताल जाकर इनकी जांच करवानी चाहिए। भी क्या दिक्कत है मुझे, आजकल थोड़ी भूख ही तो ज्यादा लगती है, थोड़ी प्यास ही तो ज्यादा लगती है। और आनंद जी बताइए कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब आजकल मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मेरी बीवी कह रही है कि मुझे डायबिटीज है, और तो और आने वाले कुछ दिनों में मेरी आंखें खराब हो जाएंगी। अच्छा ऐसा क्या दिक्कत हो रहा है आपको? आजकल मुझे थोड़ी भूख ज्यादा लगती है, प्यास ज्यादा लगती है। और आपने बात करने की कोई बात नहीं है, मैं आपको कुछ ब्लड जांच लिख देता हूँ, आप वो करवा लीजिए फिर हम देखते हैं। पर डॉक्टर साहब क्या मेरी आंखें खराब हो जाएंगी? नहीं आनंद जी ऐसी कोई बात नहीं है, अगर लंबे समय तक डायबिटीज का इलाज न किया जाए और उसे कंट्रोल में न रखा जाए तभी आपको ये कंडीशन हो सकती है, वैसे कोई घबराने की बात नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब मैं जाँच करा कर आता हूँ। जाँच करा कर आता हूँ। साहब ये रही मेरी रिपोर्ट। आपका ब्लड शुगर बहुत बढ़ा हुआ है, आपको डायबिटीज है। क्या, मुझे डायबिटीज है? पर घबराने की कोई बात नहीं है आनंद जी। पर डॉक्टर साहब ये रोग मुझे ही क्यों हुआ? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं आनंद, जैसे कि आपकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, आप कुछ एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, और फिर आपका वजन भी कुछ दिनों से बहुत कम हो रहा है, और फिर आपके पिताजी को भी तो थी है, तो डायबिटीज खानदानी भी हो सकती है। हम है डायबिटीज, एक बार जिसको होता हूँ अच्छी किडनी बर्बाद कर दूँ, हार्ट अटैक पिला दूँ, एक बार पैर में घाव हो जाए तो मैं करना पड़ जाएगा। पर इन सब चीजों से बस कुछ चीजों का ध्यान रख करके, कैसे भाई कैसे, आपको समय पर खाना और दवा खाना है, रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, हर 3 से 6 महीने में शुगर की जांच करानी है, और तो और प्रतिवर्ष आंखों का जांच करवाना है, यदि पैर में कोई घाव है तो उसकी अच्छे से सफाई करनी है। आनंद जी आइए आपको मिलाता हूँ मेरे पुराने डायबिटीज के पेशेंट से।
मुझे भी 5 साल पहले इस बात का पता चला मुझे डायबिटीज है, लेकिन डॉक्टर के कहे मुताबिक मैंने सही समय पे खाना और दवाइयाँ रोज ली और रोज 30 मिनट एक्सरसाइज की और आज मैं आप सभी की तरह आम जिंदगी जी रहा हूँ। आम जिंदगी जी रहा हूँ आनंद जी। आपको अगर खाना और दवा आप समय से नहीं लेंगे तो आपको कभी कमजोरी हो सकती है, पसीना आ सकता है। इन सब चीजों के लिए आपको कुछ चॉकलेट अपने साथ रखना है और वो चॉकलेट सिर्फ तभी ही खानी है आपको। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इन बातों का ध्यान रखूंगा। ठीक है, तो क्या समझा आपने? अगर आपको भी ये सारी दिक्कतें हैं, आपको भूख ज्यादा लगती है, प्यास ज्यादा लगती है, आपकी नींद खुल जाती है, तो डरे नहीं, संकोच नहीं करें, आज ही अपने निजी अस्पताल पे संपर्क कराएं और बचे डायबिटीज से। समय आपके पास आए, आज, आए।